खरगोन जिले के करही थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पहले एक युवती की कीटनाशक पीने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में सोमवार को परिजन और ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां गांव के ही एक परिवार पर अपनी बेटी को जबरन जहर पिलाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। एसपी कार्यालय पहुंचे लड़की के पिता ने बताया कि वह ग्राम बुदरी निवासी होकर 20 जनवरी को उनकी 19 वर्षीय बेटी शाम 7:30 बजे घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन देर तक घर नहीं लौटने पर जब उसे तलाशा तो वह ग्राम के खेत में कुएं के पास बेहोशी की हालत में मिली। गांव का एक लड़का भी वहां था। जब उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो उसने रास्ते में गाँव के युवक पर जबरन जहर पिलाने की बात कही। अस्पताल ले जाने पर उपचार के दौरान पुलिस के आने से पहले उसकी मौत हो गई। इसकी शिकायत करही थाने पर की। नामजद शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक उक्त युवक एवं उसका साथ देने वाले परिवार वालों को गिरफ्तार नहीं किया। परिजनों के मुताबिक युवती की सगाई हो गई थी और गांव का लड़का एवं उसके परिजन सगाई तुड़वा कर उक्त लड़के से शादी का दबाव बना रहे थे। एसपी ने परिजनों की शिकायत को गंभीरता से सुनने के बाद उन्हें जाँच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। लेके आए थे कि ग्राम बुदरी में रहते हैं और गणेश जी की लड़की राजनंदिनी और राज को भगा के ले गया खेत में, वहाँ पर पायजन पिला दिया और हमने करे थाने में जाके शिकायत करी, तभी तक उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या लगता है आपको उसमें? मेरी मासी की लड़की लगती है सर। अब क्या मांग करी आपने? मैंने इस हिसाब से ये मांग करी कि इनके FIR दर्ज करें और इनको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है। शिकायत ये लेके आए थे कि मैं भुदरी का तो रहने वाला हूँ। एसपी साहब के सामने शिकायत लेके आए थे कि मेरी बच्ची को राजपिता दिनेश वो खेत में भगा के ले गया और उसको पायजन पिला के मार दिया। अभी तक पुलिस कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। कब का मामला है? 1 की 20 तारीख का है। 20 क्या कारण क्या रहा, ऐसा क्यों किया उसने? ये तो खुद हमको भी नहीं पता चल दिया है। अभी आप एसपी साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने बोला कि 7 रोज में आज का काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? गणेश। कहाँ रहते हो? भुदरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।